हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकली। हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और हमने उसमें दो वीडियोस भी, दो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जैसे हमने कार्टोग्राफी और टाइप्स ऑफ मैप्स और मैप के यूसेज जाने थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्केल्स क्या होती हैं और स्केल कैसे बनाते हैं, कितने टाइप की स्केल होती हैं, रिप्रेजेंट करने के स्केल का तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्केल क्या होती है, स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अर्थ, जैसे कि सबको पता है कि अर्थ इज़ ए वेरी वास्ट स्फीयर, अर्थ बहुत बड़ा एक बॉडी है। उसको अगर हमें उसका मैप बनाना है या उसको किसी पेपर पर दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो वो बहुत टफ टास्क हो जाता है। और उतना ही बड़ा जितना बड़ा अर्थ है, उतना बड़ा तो हम मैप बना नहीं सकते हैं। और अगर बन भी गया है उतना बड़ा मैप, तो उसको यूज़ कैसे करेंगे और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। तो स्केल को अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड में डिफाइन करें, तो स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन पेपर टू द सेम डिस्टेंस, द कॉरेस्पॉन्डिंग सेम डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ओके, स्केल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन पेपर एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के बीच में जो मैप में डिस्टेंस हमने लिया है और उतनी दोनों पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल में ग्राउंड में कितना डिस्टेंस है, वो होती है स्केल। तो दिस वॉज स्केल। स्केल क्या होती है, स्केल को डिफाइन कर दिया हमने। अब जानेंगे स्केल के टाइप्स। तो स्केल को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ स्केल, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और तीसरा होता है ग्राफिकल स्केल। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ स्केल की। स्टेटमेंट ऑफ स्केल सबसे बेसिक और सबसे आसान मेथड होता है स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने क्या किया, जैसे कोई दो पॉइंट्स हैं, दो स्टेशन्स हैं, फॉर एग्जांपल लखनऊ, दूसरा है पटना। ओके, लखनऊ एंड पटना, लखनऊ और पटना के बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर है ऑन ग्राउंड। ओके, एंड इसकी डिस्टेंस हम लोग ने पेपर पे मैप पे बनाई है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इसका स्टेटमेंट स्केल लिखना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट स्केल। या 5 सेंटीमीटर ऑन पेपर या 5 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट्स 500 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। ये एक सिंपल मेथड है स्केल का रिप्रेजेंट करने के लिए, सबसे बेसिक मेथड। इसको स्टेटमेंट ऑफ स्केल मेथड कहते हैं। लेकिन इस मेथड के एक नुकसान होता है। इस मेथड को हम लोग जनरली अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें मैप किसी मैप को एनलार्ज करना है या रिड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल हमने एक मैप ये लिया, इसको हमें एनलार्ज करना है और इसी को रिड्यूस करना है, तो एनलार्जमेंट और रिडक्शन के टाइम हमें पूरी स्केल चेंज करनी पड़ जाती है, ये जो स्केल ली है हम लोगों ने। तो ये इस प्रॉब्लम को फेस करने से बचने के लिए हम लोग ये मेथड जनरली नहीं यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड जो है हमारा, वो है RF या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है वो एक रेशियो के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है रेशियो कि पेपर पे क्या डिस्टेंस लिया है दो पॉइंट्स का और उसी का ग्राउंड पे डिस्टेंस क्या लिया है। तो अगर हम RF का फॉर्मूला लिखें, RF इक्वल्स टू पेपर डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ओके, तो ये हो गया पेपर डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक, तो ये बहुत जनरली हम लोग जब भी मैप देखते हैं तो नीचे लिखा होता है RF इतना 1:1000। लेकिन अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ स्केल दिया है अगर 20 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 20 किलोमीटर, अब अगर हमें ये RF में चेंज करना है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। पेपर डिस्टेंस कितना है 20, ग्राउंड डिस्टेंस कितना है फॉर 20 किलोमीटर, तो RF इज इक्वल्स टू पेपर डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ओके, तो पेपर डिस्टेंस कितना है 20, ग्राउंड डिस्टेंस 20, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में, तो हमें ग्राउंड डिस्टेंस को किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको 1/1,00,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:1,00,000। तो ये हमारा आ जाएगा RF।
ठीक, तो ये सिंपल मेथड था किसी भी स्टेटमेंट ऑफ स्केल को आरएफ में चेंज करने के लिए। अब हमारे पास, हमने स्टेटमेंट ऑफ स्केल देख लिया, आरएफ देख लिया। अब ग्राफिकल स्केल की बात। ग्राफिकल स्केल क्या होती है? सिंपली ग्राफिकल स्केल हम लोग स्टेटमेंट ऑफ स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ को यूज करके ग्राफिकल स्केल बनाते हैं। इन दोनों को यूज करके बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर लाइन ये रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का बनाते हैं, ओके। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिविजन्स मार्क करके हम लोग दिखाते हैं, उसको यूज करके हम लोग अपनी स्केल, उसके मैप की स्केल दिखाते हैं। जैसे ये हमने एक बनाया है ग्राफिकल स्केल, इसमें हमने ये प्राइमरी डिविजन्स बनाई 1, 2, 3, 4, और पहले बॉक्स में हम लोग क्या बनाते हैं, सेकेंडरी डिविजन्स। हमने दो डिविजन बनाई, 1, 2, 3 डिविजन बनाई। तो ये एक मेथड है हमारा ग्राफिकल स्केल। तो ग्राफिकल स्केल को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफिकल स्केल ही होगा, उसमें देखेंगे ग्राफिकल स्केल कैसे बनती है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ईच एंड एवरीथिंग विल वॉच इन दैट वीडियो। तो ग्राफिकल स्केल का फायदा ये होता है कि जैसे हमने बताया था स्टेटमेंट ऑफ स्केल में मैप रिडक्शन और एनलार्जमेंट, जैसे मैप रिडक्शन और एनलार्जमेंट किया है हमने, तो ग्राफिकल स्केल में क्या होता है कि हमें उसमें बार बार स्केल नहीं चेंज करनी पड़ती। हमने ये एक बार बना लिया, देन वी डोंट रिक्वायर टू चेंज द स्केल। हमें ये नहीं, हमें ये एज इट इज रखा रहता है, हमें बार बार स्केल नहीं चेंज करनी पड़ती। तो दिस, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ स्केल। इसमें हमने देखा था कि स्टेटमेंट ऑफ स्केल, आरएफ और ग्राफिकल स्केल। तो ग्राफिकल स्केल हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल स्केल में बनाने के टाइम क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं और क्या स्टेप्स हैं। स्केल बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें मेजरमेंट कौन से लेने हैं। तो मेजरमेंट जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्राफिकल स्केल बनाने के टाइम हम लोग कौन कौन से मेजरमेंट यूज करते हैं। तो ब्रॉड बेसिस पे या जनरली हम लोग दो टाइप के मेजरमेंट यूज करते हैं ग्राफिकल स्केल में। पहला है मीट्रिक सिस्टम और दूसरा है इंग्लिश सिस्टम। मीट्रिक एंड इंग्लिश। मीट्रिक सिस्टम में सबसे जो हाईएस्ट यूनिट जनरली यूज करते हैं वो लोग होती है, वो हमारी होती किलो, किलोमीटर, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी एंड फिर मिली। तो ये हमारा बेसिक रूल है मीट्रिक सिस्टम का, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक। उसके बाद इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होते हैं माइल्स, फरलॉन्ग, यार्ड्स, इंचेस, ये वाला सिस्टम इंग्लिश सिस्टम कहलाता है। तो इनका मीट्रिक कन्वर्जन जो होते हैं वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपकी स्लाइड में। इसमें आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 1 mile = 8 furlong, 1 mile = 1760 yards, 1 mile = 5280 feet, 1 mile = 6363360 inches, 1 furlong = 220 yards, 1 furlong = 660 feet, 1 furlong = 7920 inches, 1 yard = 3 feet, and 1 yard = 36 inches। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको अभी हम लोग यूज़ करेंगे अपने कैलकुलेशन में और स्केल बनाने के टाइम। अब हमने के स्केल बनाने क्या है कैसे। सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में दिया है, आरएफ नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दिया है द स्टेटमेंट ऑफ स्केल रिप्रेजेंट 20 cm = 20 km, तो पहले उसको हम आरएफ को, पहले उसको स्टेटमेंट को हम लोग आरएफ में चेंज करेंगे, वो हम सिखा चुके हैं अभी जस्ट, ठीक। तो आरएफ में चेंज करने के बाद क्या करना है, आरएफ में चेंज करने के बाद हम लोगों को एक मेजरमेंट लेने है कि कितने मेजरमेंट की हमें स्केल बनानी है, ठीक। जनरली हम लोग जब स्केल बनाते हैं तो अगर हम मीट्रिक सिस्टम में बना रहे हैं तो मीट्रिक सिस्टम में जनरली जो हम लोग लेंथ लेते हैं स्केल बनाने का वो 10 cm या 15 cm लेते हैं, या जितना हमारा बेस्ट कैल, मतलब 25-30 cm की स्केल नहीं बनाते हैं, जनरली 20 cm के अंदर अंदर की स्केल बनाते हैं। और अगर इंग्लिश सिस्टम की बात आ गई, इंग्लिश सिस्टम में जनरली हम लोग 6 या 8 या 10 inch की स्केल बनाते हैं, या 4, ठीक, इंच ये सेंटीमीटर, ठीक। तो उसके बाद हमने ये लिख ली, मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने कितने सेंटीमीटर की या कितने इंच की स्केल बनानी है। फिर जब हमने कैलकुलेशन कर लिया कि स्केल क्या रिप्रेजेंट करेगी, कैसे रिप्रेजेंट करेगी, देन फिर हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे,
और जैसा हमारा कैलकुलेशन आया है, जैसा हमारा स्टेप में आया है, उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक, जो बड़ी यूनिट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल किलोमीटर लिए आया है, क्वेश्चन में दिया है किलोमीटर और मीटर। ऐसे क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ सिंपल स्केल ऑन RF 1:10,000 फॉर शोइंग किलोमीटर एंड मीटर। तो बड़ी यूनिट कौन सी है इसमें? किलोमीटर की। तो जो प्राइमरी डिवीजन होगी हमारी होगी किलोमीटर, और छोटी यूनिट कौन सी? मीटर। तो जो सेकेंडरी डिवीजन होगी हमारी वो कौन सी होगी? मीटर। ठीक, सिमिलरली हमारा मीटर इंग्लिश सिस्टम में भी बड़ी यूनिट हमारी प्राइमरी होती है और सेकेंडरी यूनिट सेकेंडरी डिवीजन हमारी छोटी यूनिट होती है। ठीक, उसके बाद जब हमने ये बना लिया, डिवीजन्स कर लिए, फिर इसको हम लोग एक बीच में एक लाइन से ऐसे करके इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग ऑल्टरनेट बॉक्सेस में शेड कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, इस स्केल में और इस स्केल में डिफरेंस दिखाने के लिए कि ये अलग है, 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 ये अलग, ये अलग। ओके, इसका कोई वो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है कि इसको शेड करते हैं इसलिए, सिर्फ इसलिए शेड करते हैं एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये स्केल बना ली। ठीक, उसके बाद अगर हमारा स्केल मीट्रिक सिस्टम में है, और तो अगर स्केल मीट्रिक सिस्टम में है देन हम RF जो होगा, ऐसे RF दिया है 1:10,000 और हमें स्केल बनानी है किलोमीटर मीटर में, तो ये मीट्रिक सिस्टम है तो हम RF को सेंटीमीटर में कंसीडर करेंगे। ऐसे 1 cm इज इक्वल्स टू 10,000 cm, 1 cm ऑन पेपर रिप्रेजेंट 10,000 cm ऑन ग्राउंड। और वही अगर हमें स्केल माइल्स और फरलॉन्ग बनानी है, ओके, तो ये इंग्लिश सिस्टम है तो हम लोग स्केल को इंचेस में कंसीडर करेंगे। ऐसे 1 inch रिप्रेजेंट्स 10,000 inch ऑन ग्राउंड। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे या बेसिक पॉइंट्स थे जो हमें स्केल बनाते के टाइम ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा ग्राफिकल स्केल। उसमें हम सबसे पहले प्लेन स्केल्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो प्लेन स्केल के बारे में। और इस पूरे लेक्चर में आप कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर दीजिए, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपको क्लियर कर दूँ। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू एंड जय हिंद।